फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों जोग्राफी ऑफ इंडिया में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉपुलेशन जिसको हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन और आखिर में हम लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी तो दोस्तों अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो दोस्तों पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पर लोग किस तरह से बटे हुए हैं उसी पैटर्न को हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बोलते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसटी हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया सो फ्रेंड्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और डेंसिटी की मदद से हम लोग वहाँ की डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है स्टैटिकल डेटा अबाउट द पॉपुलेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हुआ कि वहाँ का एज जेंडर इनकम एक्सेट्रा ऑफ एनी एरिया उसके बाद है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द वे दीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सर्फेस तो दोस्तों पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को रिफर किया जाता है अर्थ की सरफेस पर किस तरह से लोग जो है अलग अलग जगहों पर आ, रह रहे हैं बसे हुए हैं उसको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है नाइन्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिवस इन टेन परसेंट ऑफ इट्स लैंड एरिया सो फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड की जो 90 परसेंट पॉपुलेशन है वो सिर्फ टेन परसेंट टेन परसेंट पूरे अर्थ के एरिया को कवर करती है टेन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट सिक्सटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सो दोस्तों दस कंट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड की सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं इसका मतलब ये हुआ दोस्तों दुनिया की साठ परसेंट पॉपुलेशन सिर्फ दस कंट्रीज में बसी हुई है आउट ऑफ टेन पॉपुलस कंट्रीज सिक्स आर इन एशिया और जो दस कंट्रीज हैं वो दस कंट्रीज उनमें से छः जो हैं वो एशिया में लोकेटेड हैं चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया रशिया एंड इंडोनेशिया और उसके अलावा जापान ब्राज़ील एंड यू एस ए सो फ्रेंड्स उसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन टू द साइज ऑफ लैंड सो so फ्रेंड्स वहाँ का नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब वहाँ जितने लोग हैं उसको वहाँ के एरिया से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे उनके बीच का जो रेशियो होता है उसको ही डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं दिस रेशियो इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इट इज मेजर इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर और इसको पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में मेजर uh, किया जाता है फ्रेंड्स जैसे लिक्विड को हम लोग लीटर्स में कैलकुलेट करते हैं नापते हैं और हम लोग आ, किसी भी आ, लेंथ को हम लोग हम लोग आ, मीटर्स या फिर किलोमीटर्स में कैलकुलेट करते हैं इसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों इसका कैलकुलेट करने का तरीक़ा ये है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ इक्वल्स टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया अगर हम लोगों को किसी एरिया का डेंसिटी निकालना है तो वहाँ की पॉपुलेशन से वहाँ के एरिए को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल कर आएगा उसके बाद है हाई डेंसिटी एरियाज तो फ्रेंड्स हाई डेंसिटी एरियाज़ कौन से होते हैं मोर देन टू हंड्रेड परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर तो जहाँ पर दो सौ से ज़्यादा लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे होते हैं उन एरियाज़ को हम लोग हाई डेंसिटी एरियाज़ बोलेंगे उनके कुछ एग्जांपल्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ़ यूएसए अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स का फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप यूरोप का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया उसके बाद है मीडियम डेंसिटी एरियाज मीडियम डेंसिटी एरियाज़ कौन से होते हैं इलेवन टू फिफ्टी परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर जहाँ पर ज्यादा से पचास लोग एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे होते हैं उसको मीडियम डेंसिटी एरियाज कहा जाता है उनके एग्जाम्पल्स हैं वेस्टर्न चाइना सदर्न इंडिया इन एशिया नॉर्वे स्वीडन जो कि यूरोप में है उसके बाद है लो डेंसिटी एरियाज अब बात आती है लो डेंसिटी एरियाज कौन से होते हैं लेस देन वन परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर जहाँ पर एक लोग से भी कम एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं उसको लो डेंसिटी एरियाज बोलते हैं दोस्तों अब आप, लो, आप लोग ये आ, सोच रहे होंगे कि लेस देन वन परसेंट कैसे हो सकता है तो दोस्तों ये पूरा डेमोग्राफिक्स इसका निकाला जाता है पूरा डेटा का एवरेज निकाला जाता है उसके हिसाब से ये जो है यहाँ पर लिखा गया है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स तो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन है तो वो बहुत ज्यादा लो डेंसिटी एरियाज हैं हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड हाई लें ज़ोन्स जोस नियर इक्वेटर सो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और इक्वेटर के जो इक्वेटर के पास जो एरियाज हैं वहां पर बहुत ज्यादा लो वो बहुत ज्यादा लो डेंसिटी एरियाज कहलाते हैं उसके बाद है दोस्तों फैक्टर्स इंफ्लुसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन तो वो फैक्टर्स जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुंस करते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं सो so, सबसे पहले आता है जोग्राफिकल फैक्टर्स एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो दोस्तों पानी का मौजूद होना योज एरिया वी आर फ्रेश वाटर कैन ईजिली एवेलेबल तो दोस्तों लोग वहां ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहां पर पानी आसानी से जो है अवेलेबल होता है Used for drinking, bathing, एंड कूंग फॉर केटल क्रॉप इंडस्ट्रीज एंड नविगेशन क्योंकि दोस्तों पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि पानी हर चीज में इस्तेमाल होता है पीने के लिए नहाने के लिए खाना पकने के लिए और उनके कैटल्स के लिए मतलब उनके जो मवेशी जानवर होते हैं उनके लिए क्रॉप्स इंडस्ट्रीज एंड नविगेशन दीज रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड तो दोस्तों ये रिवर वैलीज होती हैं मतलब फ्रेंड्स रिवर के पास का जो एरिया होता है और ये रिवर वैलीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बसे हुए रहते हैं उसके बाद है लैंड फॉर्म्स प्रीफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेंस एंड जेंटल स्लोप तो दोस्तों लोग जो है वो फ्लैट प्लेन्स और जेंटल स्लोप्स पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज एरियाज आर फेवरेबल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बहुत आ, बहुत अच्छा एरिया होता है फ्लैट प्लेन्स प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो दोस्तों यहाँ पर लोग आसानी से खेती बाड़ी कर सकते हैं इसलिए लोग यहाँ रहना ज्यादा पसंद करते हैं एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज और रोड और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए भी फ्लैट प्लेन्स बहुत ज्यादा बढ़िया रहते हैं फॉर एग्जाम्पल गंगा प्लेस वेयर एस माउंटेन माउंटेनियस एंड हिली रीजनस आर लेस पॉपुलेटेड तो दोस्तों एक, एक, इसका एक एग्जाम्पल है गंगा प्लेस जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद है उसके बाद वेयर एज माउंटेनियस ली रीजनट अगर कंपेयर करें गंगा प्लेन से तो माउंटेनियस रीजन और हिल एरिया जो है, वो less populated है मतलब वहाँ कम लोग रहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्योंकि दोस्तों वहां पर ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं है और एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट भी नहीं है मतलब वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी नहीं बना सकते फॉर एग्जाम्पल हिमालन रीजन तो दोस्तों एक इसका एक एग्जाम्पल है हिमालयन रीजन जहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत कम लोग बसे हुए हैं उसके बाद बात आती है क्लाइमेट की एरियाज विद वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन तो दोस्तों जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होता है तो वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन होती है फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेरियन रीजन तो उसका एक एग्जाम्पल है मेडिटेरियन रीजन जहां पर बहुत ज्यादा चिपचिपाहट गर्मी और बारिश का मौसम रहता है एरिया विद अ कम्फर्टेबल क्लाइमेट वर देयर इज़ नॉट मच सीजनल वैल्यूशन अट्रैक्ट मोर पीपल्स सो दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा सीजनल वैल्यूशनस नहीं होते और जो कम्फर्टेबल एरियाज होते हैं लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं उसके बाद बात आती है सॉइल्स की फ़र्टाइज सॉइल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ सो फ्रेंड्स फर्टाइल सॉइल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं लोगों के एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए दोस्तों एलाइड एक्टिविटीज़ का भी मतलब यही होता है कि वो एक्टिविटीज़ जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं देयरफॉर एरियाज़ बिच है फर्टाइल लोमी सॉइल्स पॉपुलेशन सो so फ्रेंड्स जहाँ पर फर्टाइल लोमी सॉइल्स पाई जाती हैं वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं जहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है एग्जाम्पल नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया सो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि नदन प्लेन्स में एल्यूवियम सॉइल पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहीं पर है उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स फैक्टर्स मिनरल्स एरियाज विद मिनरल्स डिपोजिट अट्रैक्ट इंडस्ट ंडस्ट्रीज एंड देर फॉर जेंटल इम्प्लॉयमेंट स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दीज एरियाज एंड मेक दैम डेंसली पॉपुलेटेड सो दोस्तों जहाँ पर जहाँ की मिट्टी में ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं तो वो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करते हैं तो दोस्तों लोग वहाँ पर इंडस्ट्रीज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको इजीली मिनरल्स अवेलेबल होते हैं और जिस इंडस्ट्रीज की वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है क्योंकि वहाँ पर लोगों के मदद की ज़रूरत होती है इसलिए लिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दीज एरियाज़ और जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो यहाँ मूव कर जाते हैं इन एरियाज़ में एंड मेक एकदम डेंसली पॉपुलेटेड और यहाँ की एरिया को बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड बना देते हैं इसका मतलब है वहाँ बस जाते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है एग्जाम्पल कटंगा जैम्बिया कॉपर बेल्ट इन एफे... अफ्रीका सो फ्रेंड्स कटंगा जैमिया अफ्रीका में एक जगह है जो कि कॉपर वर्ल्ड के नाम से मशहूर है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर मिनरल्स मतलब कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है उसके बाद बात करते हैं अर्बनाइजेशन की सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो दोस्तों जो शहर होते हैं शहर की अगर आप लोग गाँव से कंपेयर करें तो शहर में ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशनल और मेडिकल फ़ैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलती हैं मतलब स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी ये जो है शहरों में ज़्यादा होते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज मतलब हॉस्पिटल्स वग़ैरह बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है बसेस कारसेट्रा एंड एम्यूनिटीज़ विच अट्रैक्ट मोर पॉपुलेशन दोस्तों एमिनिटीज़ का मतलब होता है वहाँ पर घर और बिल्डिंग बनाने की भी अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है और लोग यहाँ आके बसना पसंद करते हैं उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल तो फ्रेंड्स ये तो जाहिर बात है जहाँ पर इंडस्ट्री होगी वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी होती हैं इसलिए वहाँ लोग मूव करते हैं जॉब करने के लिए और वहाँ के एरिया को डेंस पॉपुलेटेड बना देते हैं वहाँ का एरिया जो है वो पॉपुलेशन से भर जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मौजूद होती हैं लोगों के लिए वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इसलिए लोग वहाँ बसना पसंद करते हैं एग्जाम्पल द कोबे उसका रीजन ऑफ जापान तो जापान का जो कोबे उसका रीजन है वो जो है इसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया भी है उसके बाद बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स तो दोस्तों सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ने मतलब अट्रैक्ट मोर पीपल ड्यू टू रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस सो so, फ्रेंड्स जो रिलीजियस प्लेसेस होती हैं वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जैसे कि ये मक्का आप लोगों ने सुना होगा जहाँ पर काबा लोकेटेड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो ख्वाजा गरीब नवाज का मजार जो है वो अजमेर में है और केदारनाथ टेम्पल ऐसी जगहों पर दोस्तों ज़्यादा पॉपुलेशन होती है क्योंकि लोग रिलीजियस प्लेसेस पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं उसके बाद है पीपल आल्सो मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस ड्यू टू पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट सो so, दोस्तों जिन एरियाज में ज़्यादा सोशल अनरेस्ट होता है मतलब सोशल अनरेस्ट का मतलब ये है कि अगर किसी बात से लोग आ, सहमत नहीं होते डिससेटिसफेक्शन होता है अगर उन्हें किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से या लोग जो है उस पर सहमत नहीं रहते तो वो अपनी मांग के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और रेलीज़ वग़ैरह भी निकालते हैं जहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि उन जगहों पर लड़ाई झगड़े के चांसेस ज़्यादा रहते हैं मैनी अ टाइम्स गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिवस टू पीपल टू लिव इन स्पारसली पॉपूलेट एरिया तो दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत काफ़ी बार जो है ये इंटेंसिव लिया है सॉरी इंटेंसिव ऑफर किया है लोगों को कि लोग जो है लेस पॉपुलेट एरियाज में जाकर बसें मूव अवे फ्राम ओवर क्राउडिड प्लेस और ओवर क्राउडड प्लेस जो मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ से दूर जाएँ और कहीं दूसरी जगह पर जाकर बसें तो so फ्रेंड्स यही सप्ताह पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताक, ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें बाय